हेलो फ्रेंड्स, बीएड वर्सेस बीटीसी से रिलेटेड जो है दो मामले नए निकल कर आए हैं। ये दोनों मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। देखो, पहले ही पता था कि अगर छत्तीसगढ़ में फैसला आया है हाई कोर्ट की तरफ से तो बीएड वाले बच्चे शांत बैठेंगे नहीं, वो जाहिर सी बात है कि सुप्रीम कोर्ट मामले को लेकर के जाएंगे। तो ये छत्तीसगढ़ वाला एक मामला है, और दूसरा जो मामला है वो रिव्यू से रिलेटेड है। देवेश शर्मा वाला जो केस था उसमें रिव्यू के लिए जो है अप्लाई किया गया था उसमें डेट आ चुका है। तो ये दोनों के दोनों जो केसेस है वो काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए इसके बारे में अच्छे तरीके से डिटेल से जान लेते हैं। उससे पहले फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट करना, जिससे जब भी हम बीएड वर्सेस बीटीसी से रिलेटेड कोई अपडेट दे इमीडिएट आप तक पहुंचे। देखो, सबसे पहला तो जो ये केस आपको दिखाई दे रहा है ये हरिशंकर वर्सेस छत्तीसगढ़ का है, ठीक है। इस वाले केस में आपको पता है कि हाई कोर्ट ने, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने जो है बीएड अभ्यर्थियों को बाहर करने के लिए बोला है और उनकी जगह डीएलएड को रखा है। बीएड को जो है 1 to 5 में एलिजिबल नहीं माना है और मेरिट के आधार पर डिसीजन हाई कोर्ट ने दिया है, और ये टाइम भी दिया था कि 6 वीक्स के अंदर जो है बीएड को हटाया जाए और उसमें डीएलएड को रखा जाए, डीएलएड वाले बच्चों के लिए वैकेंसी निकाली जाए, फिर से प्रोसेस हो एक तरह से और उनको लिया जाए। अब यहाँ पर इस केस में अगर आप लोग देखोगे तो जब ये केस किया गया था तो इसमें डिफेक्टिव आ रहा था, यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा था डिफेक्टिव 90 डेज, ऐसे एक करके। इसमें बहुत सारे लोगों ने ये कह दिया कि ये केस डिसमिस हो गया, ये हो गया, वो हो गया। अगर अभी आप अच्छी तरीके से देख पा रहे हो तो अभी यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि ये जो केस है अब डिफेक्ट फ्री हो चुका है। पहले तो ये डिफेक्टिव का मतलब क्या होता है, जब भी कोई केस किया जाता है तो उसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स की कमी पाई जाती है जिसको डिफेक्टिव लिखा जाता है। डिफेक्टिव है इट मीन्स उसको 90 डेज के अंदर जो भी डॉक्यूमेंट्स की कमी होती है उसको जो है एडवोकेट्स के थ्रू पूरा करवाना होता है, खत्म करवाना होता है। 90 दिन का समय जो है दिया जाता है। सेम चीज यहाँ पर भी हुआ था, तो अब इसको जो है जो भी डॉक्यूमेंट्स की कमी थी वो दूर हो चुकी है, नाउ अब ये डिफेक्ट फ्री है। जब डिफेक्ट फ्री कोई भी केस हो जाता है तब उसका केस का लिस्ट होना यानी कि सुनवाई के लिए जो है वो केस जा सकता है। अब ये केस एक्सेप्ट हो चुका है और ये केस की सुनवाई जो है बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगी। जैसे ही इससे रिलेटेड कोई डेट आएगा डेफिनेटली हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। चलिए हमारे दूसरे केस पे चलते हैं, वो है देवेश शर्मा का केस। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये है देवेश शर्मा वाला केस, जिसमें आप भी पहले तो इसको मैं बता दूं ये है क्या। ये जो है रिव्यू के लिए फाइल किया गया है केस, जिसमें 11 अगस्त 2023 का जो फैसला सुप्रीम कोर्ट के थ्रू दिया गया है जिसमें से बीएड को 1 to 5 से बाहर किया गया है, उस केस को रिव्यू करने की मांग की गई है। तो यानी ये 11 अगस्त वाले फैसले को रिव्यू करने की मांग जो है ये केस कर रहा है। इस केस का जो है डायरी नंबर आप देख सकते हैं, 16/9/2023 को ये केस फाइल किया गया था, सितंबर में ही ये केस फाइल हुआ था और अब जाकर के जो है इसको लिस्ट किया गया है और इसका जो डेट मिला हुआ है 10 मई मिला है। वैसे ये के जो लिस्टिंग है कंप्यूटर जनरेटेड है तो ये चेंज भी हो सकता है, लेकिन उम्मीद है कि चेंज ना हो और 10 तारीख को सुनवाई हो। ऐसा बताया जा रहा है कि इस केस की सुनवाई जो है जस्टिस सुधांशु धूलिया के बेंच में होने वाली है, और जस्टिस सुधांशु धूलिया आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि 11 अगस्त 2023 का जो फैसला लिखा गया था वो जस्टिस सुधांशु धूलिया के हाथों से लिखा गया है। तो जस्टिस सुधांशु धूलिया बीएड वर्सेस बीटीसी वाले मामले में पूरी तरीके से थे और उनके बेंच में अगर सुनवाई है तो कहाँ जाएगा, सोचने वाली बात है, क्योंकि उनके दिमाग में एक बात बिल्कुल क्लियर है कि 1 to 5 में क्वालिफिकेशन जो है बीएड नहीं है, डीएलएड है, और अब कैसे वहां पे चीजों को रखा जाएगा ये देखने वाली बात है। तो फाइनली इसकी सुनवाई जब होगी, जिस तरह से भी बातें निकल कर आएगी कोर्ट रूम में जो चीजें होंगी, हम डेफिनेटली आपको लाइव अपडेट जो है अपने चैनल के माध्यम से देते रहेंगे, इसीलिए हमारे साथ जुड़े रहिए। तो अभी ये दोनों को दोनों केस जो है सुप्रीम कोर्ट पहुंचा हुआ है,
छत्तीसगढ़ से एक और केस किया गया है, लेकिन अभी वो केस जो है डिफेक्ट फ्री नहीं हुआ है। तो अभी जो ये दो केसेस है, इन दोनों के बारे में जैसे जैसे जो भी अपडेट आते रहेगा, हम आपको अपने इस चैनल के माध्यम से इन्फॉर्म करते रहेंगे। तो हमारे साथ बिल्कुल बने रहिएगा। टिल देन टेक केयर एवरीवन।